वी वर डूइंग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और फर्स्ट केस हमने कर लिया था ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड केस. सेकेंड केस वी आर गोइंग टू डू नाउ, दैट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f. एक मिनट आप इधर आ जाओ, उठो उधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, मैंने कहा इधर आ, वहां बैठ के पढ़ो. गीतांशु उधर लास्ट में, उधर मैंने कहा, तुमने बोला उधर चले जाओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, थप्पड़ लग जाएगा, उठ जल्दी, पता है मुझे. सो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, बनाइए लेंस, फोकस ऑन बोथ साइड्स एंड 2f ऑन बोथ साइड्स एंड काफी काफी बियॉन्ड रखना है आपने इसको, 2f के बिल्कुल ही पास नहीं रख देना है, बियॉन्ड काफी बियॉन्ड रखना है. नहीं उधर बैठो, एक बार कह दिया वहां बैठ जाओ बस. गीतांशु गेट अप. अब वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर से आप इसको बेंड कर दो फोकस में से. ड्रॉ वन रे फर्स्ट, एक रे बनाओ पहले, ये पेन में प्रॉब्लम है, बनाओ इसको. सेकेंड रे डायरेक्ट ओ में से निकाल दो, ओ में से निकाल दो, सीधी चली जाएगी और ये कट करेगी बिटवीन एफ एंड टू एफ. इट विल कट द प्रीवियस रे बिटवीन एफ एंड टू एफ. So real inverted and diminished images formed between F and 2F. These are characteristics of the image formed. Images formed, आप देख रहे हो, between F and 2F. And it is real. Real is always inverted. And you can see it is smaller than the object. So diminished. This is slow. आप ध्यान दो इधर. जब मैंने एक एक रे साथ साथ बनवाई है, बनाओ उसके साथ, ठीक है ना. आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम बट यू पे अटेंशन. दिस टाइम थर्ड केस, अब कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2f. जिन्होंने ये बना लिया, अब स्टार्ट करें, पहले लेंस बना के रखो, मार्क एफ एंड 2f ऑन बोथ साइड्स. तो सेकेंड केस है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से निकाल दो, सेकेंड रे ओ में से निकाल दो, दे विल कट बिटवीन एफ एंड टू एफ, और रियल है, इन्वर्टेड है, और देख रहे हो आप इसका साइज ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, सो दिस इज डिमिनिश्ड. अब आपका थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2f, बनाइए बिल्कुल वैसे ही, सेम फॉलो करो, वन रे पास थ्रू ओ, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास इट थ्रू फोकस, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो साइड पे 2f में मीट करेंगी रेस. रेस कहां पे मीट करेंगी, 2f पे. रेस विल मीट एट 2f. तो देख रहे हो सेम साइज की इमेज बन रही है एट 2f. रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ
सेम साइज, तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन इज माइनस वन, क्योंकि रियल इमेज के लिए एम माइनस होता है और वन मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस वन इन दिस केस। ठीक है, बनाओ ये वाला थर्ड, बने हुए हैं, मैं रब नहीं कर रही। फोर्थ है, अब और क्लोज ले आते हैं, बिटवीन एफ एंड टू एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो बिल्कुल वैसे ही सब में लेंस के केस बहुत इजी हैं। ऑलवेज यू विल पास वन रे थ्रू ऑल अनदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, अपने आप जहां मीट करती जाएंगी इमेज बनती जाएगी। हाँ, इन दिस केस इमेज विल बी मैग्निफाइड फॉर्म्ड बियॉन्ड टू एफ, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड टू एफ, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, फोकस में से ही हर बार पास होगी, रूल्स किए थे ना हमने उस दिन, इफ एनी रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट शुड पास थ्रू फोकस। चलो नेक्स्ट, अपने आप बनाओ, फोकस पे रखिए जिन्होंने ये कर लिया, आगे बनाते जाइए, सेम वैसे ही बनेंगे। ऑब्जेक्ट एट फोकस नाउ, फोकस पे रख दो, वन रे अगेन टेक पैरेलल, जो फोकस में से जाएगी बनाओ और दूसरी ओ में से वो भी इसके पैरेलल होगी, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, पैरेलल जाएगी, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, जितनी आगे बनेगी उतनी मैग्निफाइड होगी, जितनी आगे बनेगी उतनी मैग्निफाइड होगी। सीधे बैठो गीतांशु, आई टोल्ड यू टू सिट ऑन लास्ट बेंच। घर में टाइम नहीं मिलता फाइव केसेस हो गए, टेक टू मिनट्स करो। एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का सिंबल है, इंफिनिटी आप वर्ड्स में लिख लो इंफिनिटी, अगर ज्यादा ही देखो, अब जैसे हम डिस्टेंट ट्री लेते हैं कि उसकी इमेज देख रहे हैं, तो एक्चुअली इंफिनिटी पे थोड़ी होता है ट्री, है ना, तो ऐसे ही है, हम कह रहे हैं कि इमेज बहुत आगे जाके बनेगी, बहुत आगे जाके बनेगी, उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, होता इन्फिनिटी नहीं है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी कह देते हैं। हाँ, ये पैरेलल जाएंगी ना, पैरेलल रेज तो वैसे मीट नहीं करती, पर ये एक्चुअली पैरेलल नहीं होगी, आगे जाके बहुत आगे जाके कहीं मीट करेंगी, हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, इमेज बनेगी पर बहुत दूर बनेगी, उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं।
अब लास्ट केस, फाइव केसेस में रियल इमेज बनी, लास्ट केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। व्हेन वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट स्टिल क्लोजर, वी कीप इट बिटवीन एफ एंड ओ। नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, नाउ केस सिक्स। अब यहां पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। अगेन ड्रॉ वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू फोकस, अनदर रे विल पास थ्रू ओ। अब आप देख रहे हैं इनमें डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, दे विल नेवर मीट इन दिस डायरेक्शन, सो वी विल प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स टू फॉर्म द इमेज। और डॉटेड बनानी है, सो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड एंड फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी साइड पे बन रही है। एंड इन दिस पोजिशन कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम दिया जाता है इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो इन दिस पोजिशन। इट इज कॉल्ड, ये लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वाला केस है ये। लास्ट केस में इमेज वर्चुअल बन रही है, सो कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन केसेस है हाफ न्यूमेरिकल आपका पहले माइंड में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा हाफ न्यूमेरिकल, आपको आइडिया हो जाएगा वेदर यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। क्लियर। अब कंकेव लेंस के केसेस दो ही हैं उसके, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के दो थे, सेम वे वी आर हैविंग ओनली टू केसेस ऑफ कंकेव लेंस। हेडिंग दे दो बाकी, इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव लेंस। ब्रिंग एनसीईआरटी ऑन मंडे, वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑन मंडे। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक ही वन चैप्टर विल बी देयर इन पीटी टू, दिस लाइट सिलेबस फॉर पीटी टू विल बी वन चैप्टर ओनली लाइट। आई आपका पेपर्स के बाद करवाएंगे, वो टर्म वन में आएगा नवंबर में। टर्म वन में टू चैप्टर्स होंगे, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें एक आएगा लाइट। कंकेव लेंस, फर्स्ट केस है कंकेव लेंस का, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज कंकेव लेंस। तो सिर्फ दो ही केसेस हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वो पहले बना चुके हैं हम फोकस में, और दूसरा केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड एनीवेयर एल्स। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ये कंकेव लेंस बनाओ, अब सो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं पैरेलल। और ये वही डायग्राम है जो फोकस वाला बनाया था, रेज विल डाइवर्ज, रेज विल डाइवर्ज एंड दे विल अपीयर टू कम आउट ऑफ फोकस। रेज विल डाइवर्ज ऐसे लगेगा फोकस से आ रही है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, सो क्योंकि अपीयर हो रही है एक्चुअली नहीं बन रही, तो ये वर्चुअल इमेज है,
फोकस पे वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट एंड इट इज डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वेरी स्मॉल. हाँ जी इंफिनिटी से आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है. तो कंकेव लेंस के ओनली टू केसेस आर देयर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स. और कहीं पे भी वो एक ही टाइप की इमेज बनेगी. ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स. अब एनीवेयर एल्स कहीं पे रख दिया हमने. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है विल डाइवर्ज लाइक दिस. वापस ये लगेगा फोकस में से आ रही है. ड्रॉ वन रे फर्स्ट. एक रे बनाओ. ड्रॉ वन रे फर्स्ट. व्हाट इज दिस? ये सेकंड केस है कॉनकेव लेंस का. ऑब्जेक्ट एनीवेयर एल्स कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दी. Draw one ray parallel to principal axis. It will diverge as if it is coming out of focus. पहले one ray बनाओ. दूसरी रे ओ में से निकाल दो. सेकंड रे ओ में से सीधी चली जाएगी. पहली रे को जहां कट करेगी देयर द इमेज विल बी फॉर्म. स्मॉल इमेज वर्चुअल डॉटेड बनानी है. पहली रे को जहां कट करेगी यहां पे स्मॉल इमेज बन गई. हाँ डॉटेड बनानी इमेज भी. जब भी वर्चुअल है डॉटेड होनी नहीं तो मुझे आपकी कॉपी में करेक्ट करना पड़ेगा रेड पेन से. सो इट इज वर्चुअल. It is erect, it is diminished, और location fix नहीं है इसकी. So what are the characteristics that are common in both the cases? Virtual erect and diminished always. So that means a concave lens always forms virtual erect and diminished image of the object. It always forms virtual erect and diminished image of the object. तो ये हमारे केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गए लेंसेज के. देख लो एक बार. अब हमारे एक्सप्रेशंस लेंसेज में कौन कौन से फॉर्मूले होंगे जैसे हमने मिरर्स में किए थे. अब लेंस में देख लो. लेंस फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल. लेंस फॉर्मूला वन बाई एफ. बस माइनस आ जाना है यहाँ पे. सो यू हैव टू टेक केयर कि नेगेटिव साइन आएगा वो मिरर फॉर्मूला में प्लस आना है. ये है लेंस फॉर्मूला. यहाँ पे हाँ सब नेगेटिव. साइन कन्वेंशन लेंस में भी वही है. डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ ओ विल बी नेगेटिव टू द राइट विल बी पॉजिटिव. ठीक है. और दो साइड्स विल बी पॉजिटिव दैट आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. जैसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम अबव रखते हैं तो एच वन इज पॉजिटिव. ठीक है. एच टू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है अगर इमेज रियल है कि वर्चुअल है. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज. मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला नोट करो लेंस के लिए. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द लेंस बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा. एक और जो दूसरा फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. प्लस बी बाई यू मिरर्स के लिए था माइनस बी बाई यू. नोटेड डाउन लेंस के लिए है माइनस प्लस बी बाई यू.
तो दो तो ये हो गए जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, इनका प्रूफ सिलेबस में नहीं है। यस, इधर थर्ड फॉर्मूला है आपका पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। कितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है लेंस में कि वो रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो लिखो डेफिनेशन, पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन लिखो, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। एबिलिटी ऑफ अ लेंस क्यों, चलो फिर मत लिखो अभी, बाद में। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। एंड मैथमेटिकली पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/ फोकल लेंथ, पी इज 1/ एफ। तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू 1/ एफ, P इज इक्वल टू 1/ एफ। यूनिट है इसका डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, एस का यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो 1 डायोप्टर कितना होगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में है, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तब पावर डायोप्टर में है, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। इफ द फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर फर्स्ट, ठीक है। चलो लिखो 1 डायोप्टर की डेफिनेशन। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हूज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर अब हमें हैबिट है फोकल लेंथ यू और वी को सेंटीमीटर में लिखने की, तो अगर आपने सेंटीमीटर में ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो आप याद रखो, अगर फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हैं तो 1/ एफ यूज कर लो, अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100/ एफ यूज कर लो, ठीक है। अगर आप फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100/ एफ फॉर्मूला होगा, अगर मीटर में ले रहे हो तो 1/ एफ। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो ना, 1/ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। गॉडनेस, इज इट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर है आपको। और अगर लेंस कनकेव है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो पावर विल बी पॉजिटिव। So by sign of power also we can identify the lens, ठीक है, हम identify कर सकते हैं lens को। Then lenses in combination, lenses in contact, हाँ concave की power negative होगी। Lenses in contact. Suppose we have two lenses in contact kept here. ये एक ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे जा रही है, पहले एक लेंस उसको कन्वर्ज करेगा फिर दूसरा फाइनल इमेज बना देगा। पहले एक लेंस उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा, इमेजिन कर सकते हैं हम, अगर दूसरा नहीं है तो सेकेंड लेंस एक बार फिर से उसको कन्वर्ज कर देगा, फाइनली यहाँ पे इमेज बनेगी। हाँ ये जरूरी है। और इस केस में पावर विल बी द सम ऑफ पावर्स ऑफ टू लेंसेज, सो पावर्स विल गेट एडेड अप व्हेन द लेंसेज आर कैप्ट इन कॉन्टैक्ट।
और फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन क्या होगी? पी वन ओवर एफ होता है ना, तो पी वन इज वन ओवर एफ वन, पी टू इज वन ओवर एफ टू एंड पी इज वन ओवर एफ, वेयर एफ इज इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एज वेल. ये टू ही दिख रहे हैं, ये देखो एक और दो, दो लेंस, लेंसेज इन कॉन्टेक्ट. अभी तक हमने एक लेंस लिया था ना, अब दो लेंस ले रहे हैं. दो की जगह तीन हो तो भी ऐसे ही करेंगे. तो ये याद रखना है, पावर ऐड हो जाएंगी और फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल ऐड हो जाएंगे. अगर दो लेंस पड़े हैं, ये इंसिडेंट रे है सपोज, ऑब्जेक्ट से जा रही है, वन लेंस विल प्रोड्यूस सम इंटरमीडिएट इमेज हियर, फिर दूसरा एक बार और उसको कन्वर्ज करेगा तो फाइनल इमेज यहां बनेगी, क्योंकि दो लेंस है ना. पहले एक उसको मैग्नीफाई, उसकी दो लेंस अगर हो ऐसे, उनकी पावर ऐड हो जाएगी ना, इसलिए लगाए हैं. ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस बन जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्गर लेंस बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी ना, अब पावर ज्यादा हो जाएगी. हाँ, आप सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम सम आई विजन डिफेक्ट, यू गो टू अ डॉक्टर, वो आपको कहता है कि इसका नंबर है -1.75, ही इज टेलिंग यू पावर, और माइनस का मतलब है वो आपको कंकेव लेंस सजेस्ट कर रहा है. सो -1.75 मींस पावर ऑफ लेंस दैट विल बी यूज्ड इन योर स्पेक्स, वो कंकेव लेंस होगा और ये उसकी पावर बता रहे हैं डायोप्टर में. ठीक है, कंकेव लेंस का मतलब है यू आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, आपको दूर की चीजें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रही है. और कॉन्वेक्स लेंस अगर पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है आपको, वो हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन. ठीक है, क्लियर है? सो विद दिस आवर यूनिट इज ओवर, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ. एक दो हमने कर लिए थे मिरर के, अब लेंस के करवा देती हूँ आपको. पेज नंबर 186, पेज 186 क्वेश्चन सुन लो. क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए विमान, 16 क्वेश्चन लिखो. मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 16 पेज 186. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, इसकी फोकल लेंथ बतानी है आपको. ये अब फोकल लेंथ होगी 1/3, 1/2, 1/2 कौन सा लेंस है? माइनस है तो माइनस लगाओगे यहाँ पे, -0.5 meter और -50 centimeter. कंकेव लेंस है ये, दिस इज कंकेव लेंस, क्योंकि नेगेटिव दी हुई है ना पावर. हाँ, मतलब मैंने आपके लिए बताया कि सेंटीमीटर में ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज मीटर में भी ठीक है. यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर इन मीटर एज वेल. Is that fine? 17 question देखो अब. See question number 17. A doctor has prescribed. 17 है ये. A corrective lens of power +1.5 diopter. 1.5 diopter. Calculate the focal length of this lens. Calculate the focal length of this lens.
अगेन द सेम फॉर्मूला बताइए. सो फोकल लेंथ 1/p, 1/1.5, 10/15, 2/3, 0.6. पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है और आप सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 66.7 सेंटीमीटर. अदरवाइज इन मीटर आल्सो इट्स ओके. मीटर में यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो कहाँ 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, कहाँ आपको हाफ मिलेगा फॉर्मूला का. अगर आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया आपका आंसर भी गलत आएगा, तो कहाँ आपको 2 मार्क्स मिलेगा, कहाँ हाफ मिलेगा, 1.5 डिडक्ट हो जाएंगे. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, राइट. चलो अब इसका MCQ. कल संडे नहीं है? हाँ, मंडे को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमने.